आम मुसलमान इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं रखता है। मुसलमान को बदनाम करने के लिए कुछ लोग, कुछ तंजीमें इस तरह काम करती हैं जो देश को, अमन को, शांति को नुकसान पहुंचा रही है। तो ऐसी तंजीमों को सबको बैन होना चाहिए। भाई देती खाले को, ला रहे देती खाले को, ठीक है भाई, जो गलत संगठन उसको बंद होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। पीएफआई को बैन करने के बाद जो है आज तमाम प्रदेशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसके बाद जुम्मे की नमाज़ अदा की गई। इस वक्त हम टीले वाली मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, लोग जुम्मे की नमाज़ अदा करके निकल रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से, कि लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत कर लें अगर बात हो पाए तो। नमाज़ पढ़ ली भाई साहब? चलिए नमाज़ पढ़ ली है, मगर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे कि अगर बातचीत हो पाए, देखें उनका क्या कुछ कहना है, कि जिस तरीके से पीएफआई को बैन किया गया है, सारी चीज़ें हैं तो कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से पीएफआई को बैन किया गया है और आज जुमे की नमाज़ के देखा तो भारी फोर्स लगी थी बाहर, क्या कहेंगे? हम लोग जानते ही नहीं पीएफआई क्या होता है। आम मुसलमान इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं रखता है, और मुसलमान को बदनाम करने के लिए कुछ लोग, कुछ तंजीमें इस तरह काम करती हैं, वैसे ही कुछ होगा। बाकी आम मुसलमान से पीएफआई या किसी भी संगठन से कोई मतलब नहीं रहता। आप लोगों ने नमाज अदा कर ली? नमाज अदा किया, इसके आगे कुछ नहीं, हम लोग उसको ही मतलब नहीं, नहीं, वो ठीक है। अच्छा, फोर्स आज काफ़ी लगाई गई थी, तो इसको कैसे देखते हैं? इसमें तो एहतियातन लगाते हैं, वो अक्सर लगती है यहाँ पे। अब किस लिए लगी ये पता नहीं, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क रहता, अच्छी बात है। अच्छा, पीएफआई को लेकर एक मुस्लिम संगठन कहा जा रहा है, उसका नाम जोड़ा जाता है मुसलमानों से, तो किस बिना पे जोड़ा जाता है? मतलब कुछ, अब कुछ केरल की तंजीम, अभी हमने सुना केरल की तंजीम है, और इसके बारे में यूपी का मुसलमान, लखनऊ का मुसलमान ये सब बातें समझते ही नहीं, और ना हम लोगों ने कभी कोई इनके बारे में पेपर में पढ़ा। अब जब ये आप लोगों ने अभी भारत समाचार वालों ने बताया, इसी कोई तंजीम है। अच्छा, जिस तरीके से इस पे बैन किया गया है, सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। अगर कोई ऐसी तंजीम है जो देश को, अमन को, शांति को नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसी तंजीमों को सबको बैन होना चाहिए, सभी की तंजीमें बैन हो। देकर जैसे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आरएसएस को लेकर उन्होंने बात कही, और लोगों ने देश देकर जो दूसरे धर्म की तंजीमें, उस पर भी लगता है कि इस तरीके के जो है एक्शन होने चाहिए? वो उनके अपने पर्सनल विचार हैं। लालू प्रसाद यादव या कोई भी कहता है कि बैन किया जाए, तो उससे मुसलमानों से कोई मतलब नहीं, वो अपने विचार, राजनीतिक विचार हैं, राजनीतिक मतभेद हैं। मुसलमान कहीं कोई मांग नहीं करता कि इसको बैन किया जाए, किसको ना बैन किया जाए, और ना पीएफआई या किसी संगठन के बारे में आम मुसलमान कुछ जानता। तो और भी कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनका पीएफआई को लेकर क्या कुछ कहना है। नमाज़ पढ़ के निकले, नमाज़ पढ़ लिया भाई साहब? हाँ, पढ़ ली भाई। अच्छा, पीएफआई को जिस तरीके से बैन किया गया है, तो उसके ताल्लुक से क्या कहेंगे, क्या ये सही है बैन? भाई ला पीएफआई से मतलब है, आरएसएस से मतलब है, ठीक, पीएफआई देती खाले को, ला आरएसएस देती खाले को, ठीक है भाई, जो गलत संगठन उसको बंद होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सही मानते हैं इसको, चाहे आरएसएस को। अच्छा, आज बड़ी फोर्स में तैनात, पुलिस फोर्स भी तैनात थी, तो उसको लगा कि किस वजह काफी है, जो है कोई भी बैंड होता तुरंत लगा देती है फोर्स, बाकी मतलब किसी से भी कोई पीएफआई से आरएसएस से। तो हमने बात करने की कोशिश की कि जिस तरीके से लेकर एक पूरी बात कही जा रही थी पीएफआई को लेकर, और उसके बाद जो आज टीले वाली मस्जिद, जहां पर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई थी, और जो है यूपी समेत तमाम प्रदेशों में अलर्ट भी था, तो उन्होंने सोचा यहां पे जो मस्जिद में जो नमाज पढ़ने लोग आए थे, उनसे जब बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि उन्हें पीएफआई से कोई मतलब नहीं है, और सरकार ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही उठाया है, और पीएफआई समेत लोगों ने कहा और जो इस तरीके के संगठन है उन पे बैंड लगना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर, हिंदी, लखनऊ।